राजधानी जयपुर में जरूरतमंद बच्चों के लिए मस्ती की पाठशाला संस्था बढ़ चढ़कर काम कर रही है। संस्था ने बच्चों को स्कूल भेजने सहित अन्य जगहों के आवागमन के लिए ई रिक्शा स्कूल वैन तैयार करवाया है, जिसकी लॉन्चिंग शहीद स्मारक अमर जवान ज्योति से की गई। लघु उद्योग चेयरमैन राजीव अरोड़ा के साथ संस्था संरक्षक मेजर जनरल अनुज माथुर, फाउंडर अनुज श्रीवास्तव, जिज्ञासु पूर्णिमा अरोड़ा समेत संस्था से जुड़े लोगों ने फीता काटकर ई रिक्शा स्कूल वैन की शुरुआत की। देखिए, ये मस्ती की पाठशाला पिछले 3 वर्षों से ऐसे गरीब बच्चों जो कि बिल्कुल अंडर प्रिविलेज हैं, जो इससे पहले भिक्षावृत्ति या किन अन्य सामाजिक बुराइयों में लिप्त थे, उनको चुन चुन कर उनको शिक्षा दे रही है और इस प्रकार से उनको तैयार कर रही है कि उनको आगे जा कर के अच्छे स्कूलों में उनका उनका एडमिशन कराया जा सके और उनको सभ्य और अच्छा भारतीय बनाया जा सके। भारतीय पे बहुत जोर है क्योंकि हम चाहते हैं कि ये संस्था इस प्रकार से काम करे कि हम हर उस बच्चे में जो कि कुछ नहीं कर पा रहा था अभी तक, उसको एक अच्छे संस्कार दे सकें, अच्छे गुण दे सकें और उसको अच्छी शिक्षा। मस्ती की पाठशाला का आज बड़े गौरव का दिन है। हमारे 3 साल पूरे हो चुके हैं और मस्ती की पाठशाला में जो बेगर्स और नीडी बच्चे हैं, इनको हम सभ्य साक्षर बना करके और एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर लेके आते हैं, शिक्षा शिक्षित बनाते हैं इनको। ये बच्चे आप देख रहे हैं आज, जो कल तक अभद्र भाषा बोलते थे, हम इनका परिचय ज़्यादा नहीं कराएंगे क्योंकि ये अब मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्य धारा में आ गए तो इनके थोड़े सम्मान को ध्यान में रखते हुए इनका हम यही परिचय कराएंगे कि मस्ती की पाठशाला के आज ये बच्चे जो कल तक अपराध के रास्ते पे थे, अभद्र भाषा बोलते थे, आज पूरे विश्व को हमारे देश की संस्कृति और एकता का परिचय दे रहे हैं।